वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं फिल्म ब्रह्मास्त्र के दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस अर्ली एस्टिमेट्स के बारे में और तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग के बारे में। तो फिल्म को आज रिलीज हुए जो है 3 दिन हो चुके हैं और दूसरे दिन का जो कलेक्शन है वो ट्रेड के द्वारा कह सकते हैं कि रिपोर्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे फिल्म के दूसरे दिन के ओवरऑल कलेक्शन और ऑक्यूपेंसी के बारे में, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से फिल्म के आईमैक्स 3D वर्जन को लेकर जो है जो डिमांड है उसकी वो किस तरीके से बढ़ रही है, और बाद में हम बात फिल्म के तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं फिल्म के शो काउंट से। तो पहले दिन के मुकाबले फिल्म के दूसरे दिन जो शो काउंट थे वो बढ़े हैं और तीसरे दिन जो है उससे भी ज्यादा बढ़े हैं। तो पहले दिन की अगर हम बात करें तो फिल्म को पहले दिन इंडिया में जो है 13,841 शोज के साथ रिलीज किया गया था, वहीं दूसरे दिन ये शो काउंट बढ़ के 14,150 हो गए थे। अब अगर यहां पे ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन तकरीबन 16% के आसपास का जो जंप है देखने को मिला है केवल हिंदी वर्जन के अंदर। अब आइए नजर डालते हैं फिल्म के ऑक्यूपेंसी के ऊपर और बात करते हैं कि पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन कितना जंप देखने को मिला है यहां पर ऑक्यूपेंसी के अंदर। तो अगर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी अगर हम बात करें तो पहले दिन की जो ऑक्यूपेंसी थी यहां पर हिंदी 3D वर्जन की वो थी 37.03% की, और उसके मुकाबले दूसरे दिन की जो हिंदी 3D की ऑक्यूपेंसी है वो है 36.35% की। वहीं अगर हिंदी 2D की अगर हम मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी की बात करें तो पहले दिन हिंदी 2D की ऑक्यूपेंसी थी 16.95% की, वहीं दूसरे दिन ये ऑक्यूपेंसी बढ़ती है और 20.88% तक पहुंच जाती है। IMAX 3D वर्जन की अगर हम बात करें तो पहले दिन की जो ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में हमें देखने को मिली थी वो थी 76.50% की, उसके सामने उसके मुकाबले दूसरे दिन की जो ऑक्यूपेंसी मॉर्निंग में दर्ज की गई है वो है 80% की है। अब अगर बात करें यहां पर आफ्टरनून की तो पहले दिन हिंदी 3D आफ्टरनून की जो ऑक्यूपेंसी थी वो थी 35.56% की, वहीं दूसरे दिन जो ऑक्यूपेंसी रही है उसमें हमें एक भारी जंप देखने को मिला है और 51.06% की ऑक्यूपेंसी जो है दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ हिंदी 2D की अगर हम बात करें तो आफ्टरनून डे 1 की जो ऑक्यूपेंसी थी यहां पर थी 19.82% की, और वो भी जो है बढ़कर यहां पर दूसरे दिन 29.43% तक जा पहुंची। हिंदी 3D की अगर हम बात करें तो पहले दिन आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी थी केवल 75.58% की, जो कि बढ़के दूसरे दिन आफ्टरनून में 90.07% पे जा पहुंची। इवनिंग ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करें तो पहले दिन हिंदी 3D की जो ऑक्यूपेंसी थी वो थी 48.44% की, वहीं दूसरे दिन वो ऑक्यूपेंसी बढ़कर 62.59% पे जा पहुंची। हिंदी 2D की अगर बात करें तो वहां पर पहले दिन की जो ऑक्यूपेंसी थी वो थी 26.37% की, जो कि बढ़के दूसरे दिन 36.81% पे जा पहुंची। हिंदी IMAX 3D की अगर इवनिंग ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करें तो पहले दिन की ऑक्यूपेंसी थी 84.54% की, जो कि बढ़ के 93.17% पे जा पहुंची दूसरे दिन गया है। नाइट ऑक्यूपेंसी की अगर हम बात करें तो पहले दिन हिंदी 3D की जो नाइट ऑक्यूपेंसी थी वो थी 57.84% की, जो कि बढ़ के दूसरे दिन 62.45% पे गई है। वहीं हिंदी 2D की अगर हम बात करें तो पहले दिन की जो हिंदी 2D की ऑक्यूपेंसी थी वो थी 37.71% की, जिसमें दूसरे दिन एक अच्छा जंप देखने को मिला और ये ऑक्यूपेंसी रही 44.71% की। हिंदी IMAX 3D की अगर हम बात करें तो डे 1 की जो नाइट ऑक्यूपेंसी थी वो थी 91.69% की, जिसके मुकाबले दूसरे दिन एक हल्का सा ड्रॉप देखने को मिलता है, जहां पर दूसरे दिन की जो नाइट की ऑक्यूपेंसी रही है वो है 90.13% की। तो यहां पर जो एवरेज ऑक्यूपेंसी बनती है नाइट की वो थी डे 1 की 62.41% की, और डे 2 की जो एवरेज ऑक्यूपेंसी बनती है वो है 65.73% की। यहां पर हम केवल हिंदी वर्जन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर हिंदी वर्जन के डे 1 की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी को देखी जाए तो वो थी तकरीबन 50.66% की, जिसके मुकाबले दूसरे दिन जो ऑक्यूपेंसी हमें देखने को मिली है वो है 58.88% की, यानी कि यहां पर तकरीबन 16.22% का एक जंप जो है केवल हिंदी वर्जन के अंदर हमें देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेलुगु वर्जन के अंदर आज के दिन जो है एक हल्का सा ड्रॉप देखने को मिला है, क्योंकि वहां पर जो दूसरी फिल्म रिलीज हुई है यानी कि ओके ओका जीवितम, उसको जो है पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला है, जिस कारण से आज जो है कुछ ऑडियंस वहां पर उस फिल्म को देखने गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तमिल वर्जन
वर्जन की, तो तमिल वर्जन के अंदर यहां पर एक हल्का सा हमें जो है पीक देखने को मिला है, यानी कि कह सकते हैं कि जंप देखने को मिला है, क्योंकि वहां पर इस फ्राइडे जो फिल्म रिलीज हुई थी यानी कि कैप्टन, उसको जो है नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला है, जिस कारण से उस फिल्म के काफी शोज कम कर दिए गए हैं और ब्रह्मास्त्र को जो है शोज बढ़ाए गए हैं वहां पर तमिल वर्जन के अंदर, और यही कारण है कि वहां पर जो है ओवरऑल एक ग्रोथ देखने को मिला है, और यही कारण है कि सारे वर्जन को मिलाकर पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन जो है तकरीबन 17% का जो है ग्रोथ यहां पर दर्ज किया गया है, और इसी का एक रिजल्ट है कि जो दूसरे दिन का जो अर्ली एस्टिमेट्स यहां पर निकल के आ रहे हैं उस पर अगर हम ध्यान दें तो दूसरे दिन कहीं ना कहीं फिल्म केवल अपने हिंदी वर्जन से 37.50 क्रोस का नेट कलेक्शन करने जा रही है। बात करें तेलुगु वर्जन की तो तेलुगु वर्जन से कहीं ना कहीं फिल्म दूसरे दिन एक हल्का सा ड्रॉप लेते हुए 3 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन करेगी, और तमिल वर्जन की अगर बात करें तो वहां पर हमें जो है 1 करोड़ के आसपास का नेट कलेक्शन देखने को मिलने जा रहा है, जो कि पहले दिन केवल 70 लाख था। तो इसको अगर हम पर टोटल किया जाए तो दूसरे दिन कहीं ना कहीं फिल्म इंडिया के अंदर, केवल इंडिया के अंदर जो है 41.50 करोड़ का नेट कलेक्शन करने जा रही है। जी हां दोस्तों, तो फिल्म कहीं ना कहीं अपने दूसरे दिन यहां पर 41.50 करोड़ से लेकर 42 करोड़ तक के आसपास का नेट कलेक्शन करने जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन होगा दूसरे दिन का वो करीब करीब 49 करोड़ के आसपास का होने वाला है। और यहां पर जो आपने डेटा देखा होगा इसके अंदर आपको साफ एक चीज पता चल रही होगी कि फिल्म के 3D वर्जन और IMAX 3D वर्जन को लेकर जो क्रेज है वो काफी ज्यादा है। 2D वर्जन के अंदर जो देख सकते हैं कि जो जंप है वो कह सकते हैं कि डिसेंट है, ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप देखने को नहीं मिला है, बट IMAX 3D वर्जन के अंदर एक काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, और यही एक कारण है कि कुछ कुछ बड़े थिएटर्स जो है वहां पर जो शोज हैं उसे बढ़ाए गए हैं, और केवल बढ़ाए नहीं गए हैं, मैं आपको बता रहा हूं ये शोज जो है आपको रात 12 बजे, रात 2 बजे, सुबह 5 बजे के जो है देखने को मिलने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर 1-2 थिएटर्स यहां पर मैंने देखे हैं जहां पर ऐसा कुछ मुझे देखने को मिला है। आपको बता दूं कि मुंबई के अंदर जो PVR आइकन है वहां पर जो है रात 2:30 बजे का एक शो जो है संडे के लिए लगाया गया है, और साथ ही साथ वहां पर एक सुबह 5:45 का भी जो है शो लगाया गया है। हालांकि इन दोनों ही शोज के अंदर जो ऑक्यूपेंसी है वो कुछ खास ज्यादा नहीं है, बट वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें दिल्ली NCR की तो दिल्ली NCR में भी जो है 2 थिएटर्स के अंदर ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला है, जहां पर PVR सिलेक्ट सिटी वॉक में जो है सुबह 6:40 का एक शो लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ PVR वेगस द्वारका में भी जो है एक सुबह 6:05 का शो लगाया गया है, और वहां पर जो दोनों ही शोज हैं वो फास्ट फिलिंग चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें यहां पे सूरत शहर की तो अपने सूरत शहर के अंदर भी जो है जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट थिएटर है यानी कि राज इंपीरियल, आइनॉक्स राज इंपीरियल के अंदर जो 3D शो चल रहा है वहां पर भी जो है रात 12:40 का एक शो जो है आज ऐड किया गया है, और ऑक्यूपेंसी जो है आपको यहां पर सामने देखने को मिल रही होगी। वैसे तो मैं कहीं पर ये पब्लिक ओपिनियन वगैरह लेने जाता नहीं हूं, बट काफी जगह पर मैंने यूट्यूब वगैरह पे जो चैनल्स हैं वहां पर मैंने देखा था कि पब्लिक ओपिनियन जो है अभी भी मिक्स ही है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं गया है पॉजिटिव तरफ, बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड पे भी नहीं गया है, अभी भी जो है मिक्स्ड ही है। तो अभी भी जो है कह पाना ये मुश्किल है कि फिल्म की हाइप बहुत ज्यादा है या फिर पब्लिक के तरफ से इस फिल्म को एक्सेप्टेंस मिल चुकी है, ये चीजें जो है अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि सोमवार के बाद ही क्लियर होती हुई नजर आएंगी। और मिक्स्ड वर्ड ऑफ माउथ के साथ अक्सर फिल्में जो है दूसरे दिन गिरती हैं, बट ब्रह्मास्त्र के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, ये फिल्म उठी है और संडे को और भी ज्यादा उठने वाली है। जी हां दोस्तों, अगर यहां पर हम बात करें फिल्म के तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग की तो तीसरे दिन का जो शो काउंट है वो दूसरे दिन के मुकाबले इंडिया का कुछ हद तक और बढ़ गया है। जहां पर टोटल शो काउंट्स की मैं बात करूं तो तीसरे दिन कहीं ना कहीं ये फिल्म इंडिया के अंदर 14,511 शोज के साथ चलने वाली है, यानी कि 14,511 शोज के साथ ये फिल्म तीसरे दिन यानी कि संडे को चलने जा रही है, और जिसके लिए जो एडवांस बुकिंग हमें यहां पर देखने को मिली है वो है यहां पर 22.57 करोड़ की। जी हां दोस्तों, संडे के लिए फिल्म के टोटल यहां पर 7,46,698 टिकट्स जो हैं बिके हैं, जो कि साफ दर्शाता है कि ये फिल्म जो है संडे के दिन एक बहुत बड़ा जंप लेने जा रही है। तो देखते हैं ये जंप कितना बड़ा होता है। वैसे सैटरडे की अगर हम बात करें तो दूसरे दिन यानी कि शनिवार को फिल्म इंडिया से 41.50 करोड़ का नेट कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है। देखते हैं प्रोड्यूसर्स कल के दिन क्या फिगर रिपोर्ट करते हैं, ओवरसीज से फिल्म का कितना कलेक्शन आता है, और देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि कल के दिन प्रोड्यूसर्स फिर से ग्रॉस कलेक्शन ही रिपोर्ट करते हैं या फिर वो नेट कलेक्शंस भी बताते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बॉलीवुड फिल्म के लिए। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कल के दिन क्या होता है। वैसे ये फिल्म अगर आपने देख ली है तो फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या लगता है अभी के ट्रेंड को देखते हुए कि
कि क्या ये फिल्म मंडे तक भी जो है अपने आप को संभाल पाएगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों से तक का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा, वीडियो से वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।